कराची का हल्का NA 250 जहां वोटिंग का अमल ताखीर का शिकार, वजह क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे बदयुज़्ज़मां से। बदयुज़्ज़मां बताइए, ताखीर का शिकार क्यों है पोलिंग? बिल्कुल जी, NA 250 में मौजूद हूँ। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो है वक्त पर पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिस पर वक्त पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। इस वक्त भी मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक बहुत सारी फाइलें ढूंढी जा रही हैं कि कौन सी फाइल कहाँ है, कैसे नहीं है। अभी तक ये डब्बे जो हैं वो वहीं के वहीं वैसे के वैसे पड़े। पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर जाने के बावजूद उसी तरीके से सीलिंग पड़ी हैं, उसी तरीके से आपको वो डब्बे पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। और ये निज़ाम इस कमरे का आप देखें तो यहाँ पर आकर स्टाफ बैठेगा कहाँ, पोलिंग एजेंट बैठेंगे कहाँ, ये हालत देखें। इस कमरे की ये हालत है। अगर इस कमरे में अगर इस तरह की वोटिंग होगी तो लोग आगे क्या बैठेंगे, पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेगा, पोलिंग ऑफिसर कहाँ पर बैठेगा। ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये चेयर है और ये डेस्क है और इसका हाल आप देख सकते हैं। अब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो खवातीन हैं इनको जगह नहीं मिल रही, इसी वजह से ये खड़े होके काम करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल यहाँ पर खवातीन परेशान हैं, मर्द आजाद परेशान हैं और इस कमरे की हालत मैंने आपको दिखाई कि बहुत बुरी हालत है। और अभी तक ये डब्बे वैसे के वैसे रखे हुए, काम शुरू नहीं हो सका, ना ही यहाँ पर स्टाफ के बैठने की जगह है और ना ही जो वोटर आ रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने वोट कहाँ कास्ट करना है। जी।